नमस्कार, आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। सर्दियाँ आ चुकी हैं, मेथी खाना बहुत अच्छा होता है सर्दियों में शरीर के लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मेथी के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है, खूब सारा लहसुन और हरी मिर्च मैंने पीस रखा है, इसको भी मैंने इसके अंदर डाला है। डालूंगी मैं इसके अंदर 2 चम्मच नमक, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा, जीरा डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने मेथी को धोकर काट लिया था, 3 छोटी मेथी काटी मैंने। अब इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे इसका। मैंने आटे को चटका कर लिया है, मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और अच्छे से। ये पराठे के लिए हमारा आटा है रेडी हो गया है। मैंने सुखा आटा लिया साइड में, ताकि पराठे को लगा सकूँ। पराठे पराठे बनाएंगे। ये मैंने पराठे बनाने के लिए वही घी लगाने से एक तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और एक भी जाते हैं। एक साइड से पकेगा, फिर मैं दूसरा पकेगा करूँगी। इसे लगाया, सोया से मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ा, थोड़ा सा लगाया, फिर वापस से मोड़ दिया। अब इसमें लगाएंगे आटा, थोड़ा सा पकाकर हम इसको देखें। मैंने पलट दिया है, फिर हमने इसमें घी लगा दिया। पराठे का अच्छा मतलब बीच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है करने में, जब तक एक साइड से अच्छे से पकते हैं उसके बाद दूसरी साइड पकेंगे तो जल्दी लगते हैं। फिर मेरा दूसरा पराठा भी लगता है, पलट दिया है, हमने इस साइड से घी लगा दिया। तैयार हो गया है। बाद में पराठे सर्व करूंगी के साथ, कड़ी की रेसिपी आप जान कर देख सकते हैं। मेथी के पराठे ठंड में खाने बहुत अच्छे होते हैं, ये हमारे शरीर को गर्मी देते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।